हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एस्किल हेलमिंथीज एमसीक्यूज। तो इसमें हम जितने भी आपके राउंड वर्म्स हैं उसके रिलेटेड आपके एमसीक्यूज पढ़ेंगे। इससे पहले हम प्लैटी हेलमिंथीज के एमसीक्यूज कर चुके हैं, जिसमें हम फ्लैट वर्म्स को पढ़ते हैं, और इस टॉपिक में हम राउंड वर्म्स, जितने भी आपके गोल दिखने वाले वर्म्स होंगे उनको हम पढ़ेंगे, ठीक है, लंबे और गोलाकार वर्म्स को। तो जैसे हम देखें एस्कैरिस हो गया, या आपके वुचरेरिया हो गया, या फिर पिन वर्म्स हो गए, फाइलेरिया हो गया, ये सारे के सारे, आई वर्म हो गए, ये सारे आपके एस्किल हेलमिंथीज में आते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, राउंड वर्म्स डिफर फ्रॉम फ्लैट वर्म्स इन हैविंग स्यूडोसील, सर्कुलेटरी सिस्टम, लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड्स, फ्लेम सेल्स। आपको इसमें से आंसर करना है कौन सा सही है। ओके, राउंड वर्म्स फ्लैट वर्म से अंतर क्या होता है दोनों में। नेक्स्ट है, स्यूडोसील इज फाउंड इन, स्यूडोसील किस में पाया जाता है, एस्कैरिस, फैसियोला, टीनिया या फेरिथिमा। ओके, तो आंसर है राउंड वर्म्स फ्लैट वर्म से डिफर होते हैं क्योंकि इनके पास स्यूडोसील्स प्रेजेंट होता है। ओके, और यहाँ पे हम देखें स्यूडोसील्स आपके किस में पाए जाएंगे, राउंड वर्म्स में, और इन सब में राउंड वर्म एस्कैरिस ही है। ओके, नेक्स्ट है द साइंटिफिक नेम ऑफ राउंड वर्म, राउंड वर्म का साइंटिफिक नेम क्या है, वाउचरेरिया ब्रैंकॉफ्टी, एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडिनेल, एंट्रोबाइस मेडिनेंसिस, एस्कैरिस ल्यूम्ब्रिकॉइड्स। ठीक है, इसमें से राउंड वर्म का साइंटिफिक नेम क्या है ये बताना है। नेम ऑफ हुक वर्म, हुक वर्म इनमें से कौन सा है, एनसाइक्लोस्टोमा, एस्कैरिस, एंट्रोबाइस या फाइलेरिया। ओके, तो आंसर है साइंटिफिक नेम ऑफ राउंड वर्म एस्कैरिस ल्यूम्ब्रिकॉइड्स, और हुक वर्म हम एनसाइक्लोस्टोमा को कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है मॉस्किटो इज इंटरमीडिएट होस्ट फॉर, मॉस्किटो किस का इंटरमीडिएट होस्ट होता है, फाइलेरिया, एनसाइक्लोस्टोमा, एंट्रोबायस, ड्रैकनक्यूलस। ओके, नेक्स्ट है इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ फाइलेरियल वॉर्म, इनमें से इन्फेक्टिव स्टेज क्या है फाइलेरियल वॉर्म की, ब्लास्टुला, स्पोरोजॉइट, माइक्रोफाइलेरिया, एडल्ट फाइलेरियल वॉर्म। ओके, तो आंसर है मॉस्किटो का इंटरमीडिएट होस्ट आपके लिए, मॉस्किटो एज अ इंटरमीडिएट होस्ट जो है वो फाइलेरिया के लिए होता है। ठीक है, और इन्फेक्टिव स्टेज फाइलेरियल वॉर्म की होती है माइक्रोफाइलेरिया। ओके, माइक्रोफाइलेरिया में ही ये इन्फेक्शन कॉज करता है अपनी लार्वल कंडीशन में। ओके, नेक्स्ट है एस्कैरिस इज प्रीडोमिनेंटली, एस्कैरिस क्या है, प्रीडोमिनेंटली एस्कैरिस किस तरीके से अपना एक्सक्रीशन शो करता है, एमनोटेलिक, यूरियोटेलिक, एमोटेलिक या यूरियोटेलिक बोथ, यूरिकोटेलिक। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरमीडिएट होस्ट नॉट इन्वॉल्व इन लाइफ साइकिल ऑफ, जो आपका इंडिविजुअल, इनमें से कौन सा इंडिविजुअल है जिसमें कि इंटरमीडिएट होस्ट नहीं होता है। ठीक है, टीनिया, फेसियोला, एस्कैरिस और प्लाज्मोडियम। तो आंसर है एस्कैरिस आपका एमोनोटेलिक और यूरियोटेलिक बोथ होता है। ठीक है, यानी कि ये अमोनिया और जो यूरिया है उसको रिलीज करता है अपने स्टूल में, ठीक है, एक्सक्रीटा में। नेक्स्ट है इंटरमीडिएट होस्ट इन्वॉल्व इन लाइफ साइकिल ऑफ, नॉट इन्वॉल्व इन लाइफ साइकिल ऑफ एस्कैरिस। ओके, एस्कैरिस की लाइफ साइकिल में इंटरमीडिएट होस्ट की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट है रूट थ्रू विच डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ एस्कैरिस पास इन मैन, इनमें से किस में आपकी जो एस्कैरिस की जो डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं जो मैन में नज़र आती हैं वो कैसे नज़र आती हैं। ठीक है ना, पाथवे बताना है एस्कैरिस का इन द बॉडी ऑफ मैन। ओके, आउटसाइड टू इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन टू लीवर, लीवर टू हार्ट, हार्ट टू लंग, लंग टू इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन टू आउटसाइड। ओके, फर्स्ट है, सेकेंड है आउटसाइड टू इसोफेगस, इसोफेगस टू स्टमक, स्टमक टू हार्ट, हार्ट टू लंग, लंग टू इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन टू आउटसाइड। ओके, थर्ड है आउटसाइड टू माउथ, माउथ टू इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन टू लीवर, लीवर टू लंग, लंग टू हार्ट, हार्ट टू ट्रैकी, ट्रैकी टू आउटसाइड। ओके, नेक्स्ट डी है आउटसाइड टू ट्रैकी, ट्रैकी टू लंग, लंग टू हार्ट, हार्ट टू लीवर, लीवर टू इंटेस्टाइन एंड आउटसाइड। ओके, तो आपको बताना है क्या इसका रूट है डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ एस्कैरिस इन मैन। तो आंसर है जो स्कैरिस है वो ह्यूमन में अपनी डेवलपमेंटल स्टेजेस कुछ ऐसे शो करता है, आउटसाइड टू इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन टू लीवर, लीवर टू हार्ट,
हार्ट टू लंग, लंग टू इंटेस्टाइन एंड देन आउटसाइड. ओके नेक्स्ट है, स्पर्म्स ऑफ एस्कैरिस आर कैरेक्टराइज्ड बाय. जो एस्कैरिस के स्पर्म्स हैं उनके कैरेक्टर्स क्या हैं? मोटिलिटी, एबिलिटी टू इंड्यूस मियोसिस इन एग्स, एब्सेंस ऑफ फ्लैजिलम, लॉन्ग फॉर्म. ओके नेक्स्ट है, एम्फिट्स अपॉन लिप्स ऑफ एस्कैरिस. जो एस्कैरिस के लिप्स हैं उसमें जो एम्फिट्स होते हैं वो क्या काम के होते हैं? आर ऑर्गन्स ऑफ स्मेल एंड कीमोरिसेप्शन, सिक्रीट सलाइवा, आर एडहेसिव ऑर्गन्स या फिर सिक्रीट प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स. ओके तो आंसर है, स्पर्म्स ऑफ एस्कैरिस आर कैरेक्टराइज बाय एब्सेंस ऑफ फ्लैजिलम. एस्कैरिस के स्पर्म्स में फ्लैजिलम नहीं होता है, ठीक है ना. नेक्स्ट, एम्फिट्स जो होते हैं आपके एस्कैरिस के जो एम्फिट्स हैं वो स्मेल और कीमो रिसेप्शन के लिए ऑर्गन होते हैं, यानी कि केमिकल को रिसेप्ट पहचानते हैं और उसके थ्रू बिहेव करते हैं और स्मेल का सेंस लेने के काम आते हैं एम्फिट्स. नेक्स्ट है, फर्स्ट टू स्टेजेस ऑफ लार्वा इन एस्कैरिस अकर इन. पहली दो स्टेजेस जो लार्वा की होती हैं एस्कैरिस में वो कहाँ होती हैं? बॉडी कैविटी, यूटरस, होस्ट इंटेस्टाइन या एग देम सेल्स. ओके लाइफ हिस्ट्री ऑफ एस्कैरिस पढ़ी होगी तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. फीमेल एस्कैरिस डिफर फ्रॉम मेल इन. फीमेल एस्कैरिस मेल से कैसे डिफर होता है? हैविंग पीनियल सेटी, कर्वेचर ऑफ टेल, बॉडी लेंथ या नन ऑफ दीज. अच्छा देखो, इसमें हम सबसे पहले आप अगर देखें तो इसमें हम ऑप्शंस कोई सा भी करेक्ट आपका हो सकता है, लेकिन हम पहले ही नज़र में देखते ही फीमेल और मेल एस्कैरिस को कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन है. ओके तो आंसर है, जो पहली दो स्टेजेस लार्वा की नज़र आती हैं एस्कैरिस में वो एग्स में ही नज़र आती हैं. ओके नेक्स्ट, फीमेल एस्कैरिस डिफर होता है मेल से बॉडी लेंथ के अकॉर्डिंग. हम मेल और फीमेल को इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं उनकी बॉडी के लेंथ के अकॉर्डिंग. ओके साथ में रखे हो तो आप पहचान सकते हैं जो लंबा है वो फीमेल है और जो छोटा है वो मेल है. नेक्स्ट, एग्स ऑफ एस्कैरिस दैट कैन पास आउट ऑफ होस्ट बॉडी आर फर्टिलाइज्ड, अनफर्टिलाइज्ड, अनफर्टिलाइज्ड एंड अनसेगमेंटेड, फर्टिलाइज्ड एंड सेगमेंटेड. ओके नेक्स्ट है, इन एस्कैरिस एग्स आर फर्टिलाइज्ड इन. जो एस्कैरिस में एग्स फर्टिलाइज कहाँ होते हैं? वेजाइना, ओविडक्स, यूटरी या सेमिनल वेसिकल्स. तो आंसर है, एग्स ऑफ एस्कैरिस दैट कैन पास आउट ऑफ होस्ट बॉडी आर फर्टिलाइज्ड. आप देखो, जो एग्स होते हैं एस्कैरिस के जब वो होस्ट बॉडी से रिलीज होते हैं बाहर निकलते हैं, सपोज हम होस्ट हैं तो हमारी बॉडी से बाहर निकलेंगे तो वो एग उस टाइम पे फर्टिलाइज होंगे. और जो एग्स होते हैं एस्कैरिस के वो फर्टिलाइज होते हैं कहाँ? यूटरी ऑफ द फीमेल एस्कैरिस. ओके चलो नेक्स्ट है, यूटरी को हम यूटरस भी कहते हैं. नेक्स्ट है, पोस्टीरियर एंड ऑफ मेल एस्कैरिस इज. जो पोस्टीरियर एंड होता है मेल एस्कैरिस का वो कैसा होता है? फ्लैट होता है, कर्व्ड, स्ट्रेट या कोइल्ड. ओके विच वन ऑफ दीज डिजीजेज इज कॉज्ड बाय निमेटोड. इनमें से कौन सी डिजीज एक जो है वो निमेटोड के कारण होती है या निमैथ हेलमिंथीज के कारण होती है? निमेटोड मतलब थ्रेड लाइक आपके जो इंडिविजुअल्स होते हैं जिन्हें हम निमैथ हेलमिंथीज भी कहते हैं. फाइलेरियासिस, एमीबायसिस, पोलियोमाइलिटिस या लेप्रेसी. आंसर है, पोस्टीरियर एंड ऑफ मेल एस्कैरिस इज कर्व्ड और इनमें से जो डिजीज निमेटोड के कारण हो रही है वो है फाइलेरियासिस. ओके नेक्स्ट है, फाइलेरियासिस इज कॉज्ड बाय टीनिया सोलियम, फेसियोला हेपेटिका, एस्कैरिस ल्यूम्ब्रिकॉइड्स, विचुरेरिया बैंक्रॉफ्टी. तो बताना है किसके कारण हो रहा है. ठीक है, मोल्टिंग ऑफ सेकेंड इंस्टार लार्वा ऑफ एस्कैरिस इज फाउंड इन. सेकेंड इंस्टार लार्वा की जो मोल्टिंग है एस्कैरिस में वो कहाँ होती है? ठीक है ना, ह्यूमन लंग्स में, ह्यूमन आई में, ह्यूमन इंटेस्टाइन में या एम्ब्रियोनेटेड एग्स में कहाँ होती है? तो आंसर है, फाइलेरियासिस होता है विचुरेरिया बैंक्रॉफ्टी के कारण और जो मोल्टिंग होती है सेकेंड इंस्टार लार्वा की एस्कैरिस में वो एम्ब्रियोनेटेड एग्स में होती है. पहली दो डेवलपमेंट एग में ही होती हैं. ओके तो मोल्टिंग कहाँ हो रही है सेकेंड इंस्टार लार्वा की? एम्ब्रियोनेटेड एग्स में ऑफ एस्कैरिस. नेक्स्ट है, मेल एंड फीमेल एस्कैरिस रिस्पेक्टिवली हैव. मेल और फीमेल एस्कैरिस के पास क्या होता है? ठीक है ना, रिस्पेक्टिवली मतलब पहले मेल और फिर फीमेल के पास क्या है? टू टेस्टीज एंड टू ओवरीज,
वन टेस्टीज एंड वन टू ओवरीज, टू टेस्टीज एंड वन ओवरी, वन टेस्टीज एंड वन ओवरी, ठीक है, क्या सही है ये बताना है आपको. सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म इज डिस्टिंक्ट इन एस्कैरिस बिकॉज ऑफ, देखो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म नज़र आ, डाइमॉर्फिज्म मतलब दो अलग अलग इंडिविजुअल स्ट्रक्चर्स नज़र आना, जैसे मेल और फीमेल अलग अलग नज़र आ रहे हैं. डाइमॉर्फिज्म क्यों होता है? बिकॉज ऑफ पोस्ट एनल फेजमिट्स, पीनियल सेटी, बकल मार्जिन्स या बॉडी कलर, किसके कारण एस्कैरिस में सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म नज़र आता है. ठीक है, तो आंसर है मेल और फीमेल एस्कैरिस में, मेल एस्कैरिस के पास एक टेस्टिस होती है और फीमेल एस्कैरिस के पास दो ओवरीज होती हैं. ओके, नेक्स्ट है सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म इज डिस्टिंक्ट इन एस्कैरिस बिकॉज ऑफ पीनियल सेटी. सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म नज़र आता है एस्कैरिस में क्योंकि इनके पास डिस्टिंक्ट पीनियल सेटीज पाए जाते हैं. ओके, नेक्स्ट है मोल्टिंग ऑफ सेकेंड इंस्टार लार्वा ऑफ एस्कैरिस इज अकर्स इन. मोल्टिंग जो होती है सेकेंड इंस्टार लार्वा की एस्कैरिस में, वो कहाँ पर होती है? ठीक है ना, कहाँ पर होती है, किस बॉडी पार्ट में होती है? ठीक, इंटेस्टाइन में, लंग्स में, ब्लड वेसल्स में या सैंड में, किस ऑर्गन में होगी? नेक्स्ट है बॉडी कैविटी ऑफ एस्कैरिस इज कॉल्ड. बॉडी कैविटी जो होती है एस्कैरिस की, उसे क्या कहते हैं? हीमोसील, सीलोम, स्यूडोसील, एम्फीसील. ओके, तो आंसर है मोल्टिंग ऑफ सेकेंड इंस्टार लार्वा ऑफ एस्कैरिस इज अकर्स इन लंग्स, और बॉडी कैविटी जो होती है एस्कैरिस की, वो स्यूडोसील कहलाती है. Which one will respire anaerobically? इनमें से कौन सा individual anaerobically respire करेगा? Insects living under soil, fetus inside uterus, worms living in human intestine, amoeba in stagnant water. Okay? Next है female Ascaris lumbricoids is identified by. Female Ascaris lumbricoid किससे identify होता है? Straight posterior end के कारण या फिर common cloacal aperture के कारण? Presence of two spicules at posterior end या फिर presence of pre and post anal posterior. Okay? किसके कारण हम female lumbricoids को पहचान लेते हैं? Okay? Ascaris को पहचान लेते हैं. Answer है which one of these will respire anaerobically? तो जो worms होते हैं, जो human intestine में रहते हैं, वो anaerobically respire करते हैं. और female Ascaris lumbricoids को हम identify कर पाते हैं क्योंकि उसका posterior end क्या होता है? Straight होता है, जबकि male का curved होता है. Okay? नेक्स्ट है इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ एस्कैरिस ल्यूम्ब्रिकॉइड्स टू मैन. कौन सी स्टेज इन्फेक्टिव होती है एस्कैरिस की मैन के लिए? ओके, फर्टिलाइज एग प्रायर टू बिगनिंग ऑफ डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनेटेड एग्स, लार्वा आफ्टर थर्ड मोल्ड या लार्वा आफ्टर फोर्थ मोल्ड. ठीक है, लाइफ हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको आ जाएगा. सलाइवरी ग्लैंड्स आर एब्सेंट इन. सलाइवरी ग्लैंड्स एब्सेंट होते हैं किस में? मॉस्किटो, कॉकरोच, एस्कैरिस या हाउस फ्लाई, किस में? आंसर है इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ एस्कैरिस ल्यूम्ब्रिकॉइड्स टू मेन इज एम्ब्रियोनेटेड एग. ठीक है, और सलाइवरी ग्लैंड्स एब्सेंट होते हैं एस्कैरिस में. नेक्स्ट है सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म इन सब में किस में पाया जाएगा? हाइड्रा, अर्थवर्म, एस्कैरिस और फैसियोला, किस में सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म देखा जाएगा? नेक्स्ट है आफ्टर हैचिंग फ्रॉम एग इन ह्यूमन इंटेस्टाइन, रैबिडिटी फॉर्म लार्वा ऑफ एस्कैरिस अंडरगोज टिपिकल वॉन्डरिंग जर्नी टू रिटर्न बैक इन इंटेस्टाइन. ओके, तो ऑप्शंस हैं इन अबाउट 10 days, 60 to 70 days, 3 weeks या 1 week. ओके, तो आंसर है सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाया जाता है एस्कैरिस में क्योंकि यही एक राउंड वॉर्म है इन सब में, और हैचिंग के बाद जो एग होता है ह्यूमन इंटेस्टाइन में, जो कि रैबिडिटी फॉर्म लार्वा होता है, वो आपके वापस से इंटेस्टाइन में जब आता है अपनी लाइफ साइकिल को कंटिन्यू करते हुए, तो उसे पूरा वापस आने में 3 हफ्ते लगते हैं. ओके, ठीक, इससे पहले हमने लाइफ साइकिल ऑफ एस्कैरिस इन ह्यूमन बॉडी मेंशन किया था इसे आगे वाले क्वेश्चंस में ही कुछ, तो आप लोग उसे क्रॉस चेक कर लेंगे और फिर आप देखेंगे कि इंटेस्टाइन से वापस से इंटेस्टाइन में जब एस्कैरिस अपनी लार्वल कंडीशन में आता है, एग्स की कंडीशन में आता है, तो उसे पूरा 3 हफ्ता लग जाता है. ठीक है, नेक्स्ट है विचरेरिया बैंक्रॉफ्टी इज ट्रांसमिटेड बाय. सैंड फ्लाई, सी सी फ्लाई,
क्यूलेक्स मॉस्किटो, एनोफिलिस मॉस्किटो। ओके नेक्स्ट है इन लाइफ हिस्ट्री ऑफ एस्कैरिस, ल्यूम्ब्रिकॉइड्स इन ह्यूमन होस्ट द जुवेनाइल लार्वल स्टेज हैचेस आउट ऑफ एग इन। ठीक है, एस्कैरिस की लाइफ हिस्ट्री में जो ह्यूमन होस्ट में जुवेनाइल लार्वल स्टेजेस होती है वो हैच आउट होती है एग में, एग जो उसका है वो हैच आउट होता है कहाँ पर? ठीक है, स्टमक में, लंग्स में, माउथ में या इंटेस्टाइन में, कहाँ हैचिंग होगी जुवेनाइल लार्वल स्टेजेस की आउट ऑफ एग? तो आंसर है विजरेरिया बैंक्रॉफ्टी ट्रांसमिट होता है क्यूलेक्स मॉस्किटो से, जबकि जो जुवेनाइल लार्वल स्टेज हैच आउट होती है अपने एस्कैरिस के अंडे से इंटेस्टाइन में, ह्यूमन के इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट है बॉडी इज अनसेगमेंटेड इन, इसमें से किस में जो एनिमल है उसकी बॉडी अनसेगमेंटेड नहीं होगी, सॉरी, मॉस्किटो, एस्कैरिस, अर्थवॉर्म या स्कॉर्पियन। फाइनल मोल्ड ऑफ रैबिडिटी फॉर्म लार्वा ऑफ एस्कैरिस अकर्स इन ह्यूमन, जो फाइनल मोल्ड है रैबिडिटी फॉर्म लार्वा का जो एस्कैरिस में वो कहाँ होता है? हार्ट में, इंटेस्टाइन में, लिवर में या लंग्स में? आंसर है बॉडी इज अनसेगमेंटेड इन एस्कैरिस, और जो फाइनल मोल्ड है रैबिडिटी फॉर्म लार्वा का एस्कैरिस में वो होता है ह्यूमन के इंटेस्टाइन में। ओके नेक्स्ट है एपिडर्मिस ऑफ बॉडी वॉल ऑफ एस्कैरिस इज अ स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथीलियम, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथीलियम, मिक्सड स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम या सिनसाइटियम। टिश्यूज आपको बताए थे तो इनको ध्यान में रखेंगे किस तरीके के टिश्यू एस्कैरिस की बॉडी वॉल में पाए जाते हैं एपिडर्मिस के। ठीक है, नेक्स्ट है मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्स अ फीमेल एस्कैरिस कैन ले ईच डे, हर दिन फीमेल एस्कैरिस कितने अंडे दे सकती है? 2000, 200, 20,000 या 2,50,000। ओके तो आंसर है जो एपिडर्मिस है एस्कैरिस की बॉडी वॉल की वो सिनसाइटियम होती है। सिनसाइटियम मतलब जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस एक ही सेल में पाए जाते हैं, और जो फीमेल एस्कैरिस है वो एक दिन में 2,50,000 एग्स को ले कर सकती है। नेक्स्ट है एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन एडल्ट एस्कैरिस आर, एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो एडल्ट एस्कैरिस में पाए जाते हैं वो क्या हैं? रेनेट सेल्स, एक्सक्रीटरी कैनाल, मालफीजियन ट्यूबुल्स या नेफ्रीडिया। ठीक है, नेक्स्ट है विच वन ऑफ दीज हैचेज आउट फ्रॉम एग ऑफ एस्कैरिस, इनमें से कौन सा एस्कैरिस के एग से हैच आउट करके लार्वल कंडीशन बनती है? ठीक है, सर्केरिया, हेक्साकैंथ, रैबिडिटी फॉर्म लार्वा या सिस्टी सर्कल। ईजी है, आप कर सकते हैं। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं जो एस्कैरिस के वो एक्सक्रीटरी कैनाल्स होती हैं, और जो रैबिडिटी फॉर्म लार्वा है वो एस्कैरिस के अंडों से हैच होके बनता है। लिप्स ऑफ एस्कैरिस, जो एस्कैरिस के लिप्स हैं वो कैसे होते हैं? डेंटिकुलेट, स्मूथ, बोनी, कार्टिलेजियस। ठीक है, नेक्स्ट है इन एस्कैरिस मीडियन रैचेस इज प्रेजेंट, इन एस्कैरिस में मीडियन रैचेस कहाँ प्रेजेंट होता है? वास डिफरेंस, ओविडक, टेस्टीज एंड ओवरीज या यूट्री। तो आंसर है लिप्स ऑफ एस्कैरिस आर डेंटिकुलेट, और एस्कैरिस में जो मीडियन रैचेस है वो टेस्टीज और ओवरीज में प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्यूटिकल ऑफ एस्कैरिस इज एन अडेप्टेशन फॉर, जो एस्कैरिस का क्यूटिकल है वो किसका अडेप्टेशन है, किस चीज के लिए अडेप्टेशन है? पैरासिटिज्म के लिए, ग्रोथ के, लोकोमोशन के लिए या रिप्रोडक्शन के लिए? पाइनियल सिटी अराइज फ्रॉम, पाइनियल सिटी किससे अराइज होता है? वुल्वा ऑफ फीमेल एस्कैरिस, क्लोइका ऑफ मेल राउंडवॉर्म, क्लोइका ऑफ एन एम्फीबियन या रूफ ऑफ डायनसेफेलॉन, डायनसेफेलॉन जो ब्रेन का पार्ट है। ओके तो आंसर है क्यूटिकल जो एस्कैरिस का होता है वो अडेप्टेशन है पैरासिटिज्म के लिए, और पाइनियल सिटी जो है वो क्लोइका ऑफ मेल राउंड वॉर्म में से अराइज होता है। ठीक है, क्लोइका वो भाग होता है जिसमें यूरिनरी, एक्सक्रीटरी और रिप्रोडक्टिव जो प्रोडक्ट्स हैं वो आते हैं कलेक्टिवली एक ही चैम्बर में, जबकि पैरासिटिज्म जिसमें कि एक जीव दूसरे जीव के ऊपर निर्भर रहता है और उसी से सारा का सारा अपना पोषण लेता है, जैसे एस्कैरिस हमारे इंटेस्टाइन से हमारा फूड लेते हैं और हमें नुकसान पहुंचाते हैं। नेक्स्ट है
सिनोसेटिक सिनसाइटल एपिडर्मिस इज प्रेजेंट इन सिनसाइटल, जिसमें एक ही सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, ऐसी एपिडर्मिस कहाँ पाई जाती है, किसके पास होगी? एस्कैरिस, कॉकरोच, अर्थफॉर्म या हाउस फ्लाई? विच पैरासाइट हैज नो इंटरमीडिएट होस्ट? इनमें से किस पैरासाइट के पास कोई भी इंटरमीडिएट होस्ट नहीं होता? फैसियोला, एस्कैरिस, सीनिया या प्लाज्मोडियम? ओके, तो आंसर है सिनसाइटल एपिडर्मिस या सिनोसेटिक एपिडर्मिस पाई जाएगी एस्कैरिस में, और जिस पैरासाइट के पास कोई भी इंटरमीडिएट होस्ट नहीं होता वो है एस्कैरिस। नेक्स्ट है फाइलेरिया जर्म इज काइंड ऑफ, फाइलेरिया जर्म किस तरीके का जर्म है? मॉस्किटो, प्रोटोजोन, हेलमिंथ या बैक्टीरियम? ओके, नेक्स्ट है राउंड वर्म कैन बी कॉल्ड स्पेशलाइज्ड एंड नॉट डीजनरेट बिकॉज इट इज डायोशियस और यूनिसेक्सुअल, इट हैज नो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, इट हैज स्ट्रेट अनकॉइल्ड एलिमेंट्री कैनाल, या फिर क्यूटिकल ओवर इट्स बॉडी वॉल इज रेजिस्टेंट टू होस्ट डाइजेस्टिव जूसेस। ओके, तो आंसर है फाइलेरिया जर्म एक हेलमिंथ है, और राउंड वर्म्स जो कि स्पेशलाइज्ड होते हैं और डीजनरेट नहीं हो पाते हैं क्योंकि इनकी बॉडी वॉल के बाहर, बॉडी में जो है बॉडी वॉल में क्यूटिकल की एक लाइनिंग होती है और जो इन्हें रेजिस्ट करवाती है, इनका बचाव करती है होस्ट के डाइजेस्टिव जूसेस से। सपोज ये हमारे इंटेस्टाइन में है जैसे, तो हमारे इंटेस्टाइन में जो भी डाइजेस्टिव जूसेस हैं उनसे इनकी क्यूटिकल लाइनिंग जो होगी बॉडी वॉल में प्रेजेंट, वो इनका बचाव करेगी। इसके कारण ही राउंड वर्म स्पेशलाइज्ड और नॉट डीजेनरेटिव नेचर के होते हैं। नेक्स्ट है एस्कैरिस इज, एस्कैरिस क्या है? फ्री लिविंग, सिम्बायोंट, एंडोपैरासाइट या एक्टोपैरासाइट? नेक्स्ट, एलिफेंटियासिस और फाइलेरियासिस इज ट्रांसमिटेड बाय हाउस फ्लाई, मॉस्किटो, बेडबग या फ्रूट फ्लाई? तो आंसर है एस्कैरिस एक एंडोपैरासाइट है और एलिफेंटियासिस और फाइलेरियासिस ट्रांसमिट होता है मॉस्किटो के कारण। नेक्स्ट, लेटरल लाइंस ऑफ एस्कैरिस कंटेन्स, जो एस्कैरिस की लेटरल लाइंस हैं वो किससे बनी होती हैं? एक्सक्रीटरी कैनाल, नर्व्स, ओविडक्ट या स्पर्मेटिक डक्ट? पिनवॉर्म या सीट वॉर्म किसे कहते हैं? ट्राइचिनेला, एनसाइक्लोस्टोमा, ऑक्सियोरिस या विचुरेरिया? तो आंसर है लेटरल लाइंस जो होती हैं एस्कैरिस की वो एक्सक्रीटरी कैनाल होती हैं उनमें प्रेजेंट, और पिनवॉर्म और सीट वॉर्म को हम ऑक्सियोरिस कहते हैं। नेक्स्ट है एलिफेंटियासिस जो मैन में होता है वो किस कारण से होता है? ड्रैकनक्यूलस, गिनीवॉर्म, एनसाइक्लोस्टोमा हुकवॉर्म, ऑक्सियोरिस पिनवॉर्म या फिर माइक्रोफाइलेरी फाइलेरिया वॉर्म? ओके, इन एस्कैरिस ओनली एंटीरियर पार्ट ऑफ टेस्टिस इज फंक्शनल। एस्कैरिस में एंटीरियर जो पीछे का भाग है वो ही फंक्शनल होता है टेस्टिस का। इस तरीके के गोनाड को हम क्या कहते हैं? मोनार्चिक, डायडेल्फिक, टिलोगोनिक या मेटागोनिक? ओके, तो आंसर है एलिफेंटियासिस होता है माइक्रोफाइलेरी फाइलेरिया वॉर्म के कारण, और एस्कैरिस में जो इंटीरियर भाग होता है, पीछे का भाग होता है टेस्टिस का, वही फंक्शनल होता है, और इस तरीके के गोनाड को हम कहते हैं टिलोगोनिक, टिलो एट द एंड, टिलोगोनिक। एम्फिड्स आर क्यूटिकुलर एलिवेशंस ऑफ वेंट्रोलेटरल लिपिड्स ऑफ एस्कैरिस। एम्फिड्स में जो क्यूटिकल मतलब बाहर की जो बॉडी वॉल में क्यूटिकुलर लाइनिंग है उसमें वेंट्रोलेटरल में पार्ट में, उसके वेंट्रोलेटरल पार्ट में लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, और ये क्या होते हैं, ये किस तरीके के रिसेप्टर्स होते हैं? कीमोरिसेप्टर्स, ऑल्फैक्टोरिसेप्टर्स, टैक्टोरिसेप्टर या गस्टोरिसेप्टर्स? ओके, तो नेक्स्ट है फाइलेरियल लार्वी आर फाउंड इन मैंस या होस्ट। फाइलेरियल लार्वी मैन या होस्ट की बॉडी में कब नज़र आते हैं? स्मेयर्स ऑफ स्प्लीन में नज़र आएंगे, या बायोप्सी करेंगे जब लीवर की तब नज़र आएंगे, या फिर ब्लड में नज़र आएंगे मिडनाइट को, आधी रात को, या फिर स्मेयर ऑफ इंटेस्टिनल, इंटेस्टाइन का जो कंटेंट है उसका स्मेयर लें तब नज़र आएंगे। तो आंसर है एम्फिड्स जो होते हैं एस्कैरिस के वेंट्रोलेटरल भाग में जो लिपिड के बने होते हैं वो ऑल्फैक्टोरिसेप्टर्स का काम करते हैं, ठीक है ना। और हमने पहले ही बोला था ये सेंसेस को पहचानते हैं, और ये क्या करते हैं, जो भी स्मेल होता है उसको पहचानने में हेल्प करते हैं, ठीक है। फाइलेरियल लार्वा मैन की बॉडी में नज़र आता है पेरिफेरल ब्लड में आधी रात में, क्योंकि दिन में नज़र नहीं आते हैं, पेरिफेरल ब्लड में आधी रात में ही नज़र आते हैं, तो आधी रात में ही हमें इसका ब्लड सैंपल लेना होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनसेगमेंटेड एंड वीवी पेरिस वॉर्म, इनमें से कौन सा अनसेगमेंटेड या वीवी पेरिस अंडे देने वाला वॉर्म है? एस्कैरिस, फिलेरिया, फैसियोला या टीनिया?
ठीक है। नेक्स्ट है मेल एस्कैरिस कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय, मेल एस्कैरिस को हम कैसे पहचानते हैं, कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं, ठीक है। एलोंगेटेड बॉडी से, प्रेजेंस ऑफ सकर, कर्व टेल विद पाइनल स्पाइक्यूल्स, टेपरिंग टेल विद पाइनल स्पाइक्यूल्स। आंसर है अनसेगमेंटेड और विविपेरस वॉर्म है एस्कैरिस, और मेल एस्कैरिस को हम पहचानते हैं उसकी कर्व्ड टेल से, उसकी मुड़ी हुई टेल से विद पाइनल स्पाइक्यूल्स। तो दैट इज ऑल अबाउट द एमसीक्यूज ऑफ एस्क हेलमिंथीज यानी मैथ हेलमिंथीज। और ये हम देखें तो ये है इंटेस्टाइन, और इंटेस्टाइन में हम देख रहे हैं कि किस तरीके से एस्कैरिस का एक पूरा नूडल्स जैसा गुच्छा बना हुआ है। तो अब क्या है, ज़्यादा जब इन्फेक्शन हो जाता है तो इस तरीके से इंटेस्टाइन के भाग को सेपरेट करना पड़ता है हमारी मेन स्ट्रीम इंटेस्टाइन से, जिसमें ज़्यादा ही इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। नॉर्मली आपने देखा होगा जो स्कूल्स में जो टैबलेट्स बांटी जाती हैं एल्बेंडाजोल करके, वो आपके इस तरीके के इन्फेक्शंस, जो भी आपके राउंड वॉर्म्स या फ्लैट वॉर्म्स रिलेटेड इन्फेक्शन होते हैं उन्हें किल करने में हेल्प करती है, ठीक है। तो आप वो टैबलेट जो स्कूल में बांटी जाती है ज़रूर खाया करें। ओके, थैंक यू।